सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी। इसलिए इन निस्बतों पर नाज करते हुए, अदब को महूदे खातर रखते हुए, ऐसी ऐसी निस्बतों के हम अमीन हैं, तो इन निस्बतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हुजूर क़िबला आलम मुर्शिदे कामल पीर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह साहब गिलानी कादरी अल मारूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह की चौखट करीम पर हाजिर हैं। इस खुश नसीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अना वाहलो बैती मुताहदूना मिन ज़ुनूबी। मेरे आका ने यह फरमाया, मैं और मेरे घर वाले हर किस्म की नजासत से पाक हैं, तो ये खुद पाक हैं। जो इनकी चौखट पर आ जाता है, जो इनका गुलाम बन जाता है, जो इनकी निस्बत कायम कर लेता है, अल्लाह उसे भी पाक है। ये खुद पाक हैं और नजासत वालों को पाक करने वाले हैं। इसलिए आज हम सब यहाँ पर पाक होने के लिए आए हैं, नजासतों को गलासतों को दूर करने के लिए, कल्बो नजर का आईना साफ करने के लिए आए हैं। मोहब्बत का जहूर और कल्बो नजर में सोजो गुदास की जो नेमत है, उसको गनीमत समझते हुए इन घड़ियों की कदर करें। इन घड़ियों को नेमत समझते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जरिया बनाएं, और जितने भी लम्हात यहाँ पर मुयस्सर आए हैं, अदब के सांचे में ढलकर मोहब्बत के सांचे में तशरीफ रखें। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद सईद कादरी साहब आएंगे, खादिम दरबार आलिया और सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे। हाफिज मोहम्मद सईद कादरी साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।